हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल का मॉडिफिकेशन। आज की हमारी जो वीडियो है वो बाइक के ऑन व्हील रनिंग लाइट के ऊपर है। आज फिर से हम अपने बाइक में एक ऑन व्हील रनिंग लाइट को जो इंस्टॉल करने वाले हैं, और मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी अपने बाइक के अंदर ऑन व्हील रनिंग लाइट को लगाया था, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाली थी और ये विदाउट रिमोट है, यानी उसको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन इसको आपको जो है मैनुअली ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चलो, वो तो LED मैं आपको दिखाई दूँगा आगे, लेकिन अब आती है इंस्टॉलेशन की बारी। देखो, ये हमारा बाइक का रिम और ये रिम का है ड्रम, ये वाला। यहाँ पर हमने अपनी LED स्ट्रिप लाइट को यहाँ पर जो स्टिक करना है ताकि वो अच्छे से काम करे, और ध्यान रहे ये व्हील के साथ अटैच ना हो, क्योंकि व्हील जो है घूमने वाला है, ये नहीं घूमेगा जो ड्रम है बाहर वाला। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टिक करना है। रही बात फ्रंट के, फ्रंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो दिक्कत कौन सी मैं आगे आपको सारी जो एक्सप्लेन कर दूँगा। सबसे पहले मैं आपको जो है जो LED स्ट्रिप है जो यूज़ कर रहे हैं हम अपनी बाइक में लगाने के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की है। ये देखो गाइज, ये रही वो LED स्ट्रिप लाइट जो हम अपने बाइक के व्हील के अंदर जो इंस्टॉल करने वाले हैं, और ये ज़्यादातर यूज़ होती है गाड़ी वगैरह में, जो गाड़ी की फ्रंट लाइट होती है उसके अंदर इनको जो इंस्टॉल किया जाता है ताकि गाड़ी के लुक को जो इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन हम आज अपने बाइक के अंदर जो इनको इंस्टॉल करने वाले हैं। हाँ, इंस्टॉल तो हम कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, ना घटिया ना बढ़ी है, ठीक एक एवरेज सी है। और यहाँ पर अगर इसकी वायरिंग की मैं बात करूँ, इसके अंदर 3 वायर आपने को देखने को मिलती है, और इसके अंदर कलर कोडिंग की मैं बात करूँ, इसके अंदर 2 कलर मिलते हैं हमको, वाइट और येलो, दोनों ब्लिंकेबल हैं। आपको दिखा दूँ मैं वीडियो के एंड में आपको कि किस टाइप की इसकी जो है परफॉर्मेंस होने वाली है। और बिल्ड क्वालिटी जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ठीक ठाक ही है, इतनी खास भी नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है। और यहाँ पर लेफ्ट और राइट यहाँ पर मैंसन किया है कंपनी ने, मैंसन इसलिए क्या, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये राइट के लेफ्ट के, ठीक है बाइक में कर रहे हैं उसमें खास जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बारी आती है इनको इंस्टॉल करने की, तो चलिए फटाक से जो इंस्टॉल करते हैं अपने बाइक के अंदर, किसी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। LED स्ट्रिप लाइट को इंस्टॉल करने का ये सबसे पहला स्टेप है। क्या करना है कि हमारा व्हील है, व्हील का ये ड्रम आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे मैंने पहले भी LED स्ट्रिप लाइट को जो इंस्टॉल किया था, यहाँ पर आपने अपनी LED स्ट्रिप लाइट को यहाँ पे स्टिक करना है, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ किससे, फेविक्विक के साथ। ऐसे ही करेंगे तो ये अच्छे से लगेगी नहीं। तो चलिए एक बार मैं आपको ना लगा के दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से एकदम समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो, इस टाइप से लगानी है, लगा लोगे ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब भी मैंने इसको लगा तो लिया, इसमें एक समस्या पता है मेरे को क्या लग रहा है कि ज़्यादा थोड़ी ही बड़ी है, क्योंकि कार के लिए ना, तो इसलिए थोड़ी बड़ी लग रही है। और इसके ऊपर मैं इसको लपेट दूँ ना तो अजीब सी भसड़ सी मच जाएगी एकदम, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँ, और कट करने के बाद यहाँ पर स्टिक कर दूँगा। और आपको अगर आपको लग रहा है कट करने से दिक्कत आएगी, तो चलो दिखाता हूँ। अब मैं जो आपको बताऊँगा वो आपने ध्यान से सुनना है और अच्छे से देखना है। देखो, ये हमारी बाइक की स्ट्रिप लाइट जो हम व्हील के ऊपर जो इंस्टॉल करने वाले हैं, अब ये थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि कार के लिए है, इसको हमको कट करना होगा। कट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे से जो है बाहर निकाल के इसका जो फ्रेम है उसको कट कर लेंगे, और जो अंदर हमारे बल्ब लगे हुए हैं स्ट्रिप वाली उसको भी कट कर लेंगे। कट करने के लिए क्या करना है कि ये जो कैप आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, इसको आपने बाहर की तरफ खींच के से रिमूव कर लेना है, ये देखिए इस टाइप से। देखिए, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, तो चलिए मैं इसको पूरा बाहर निकाल लेता हूँ, फिर कट करके आपको दिखाता हूँ। अब देखो, ये है हमारी स्ट्रिप लाइट का कवर जिसके अंदर हमारी स्ट्रिप लाइट लगती है। अब यहाँ पे मैंने निशान लगा रखा है, आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो आप कैप देख रहे हैं ना, इसको भी हटा लीजिए, क्योंकि जब आप इसको दोबारा इसके अंदर डालेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये कैप इस टाइप से रिमूव हो जाएगी, इनको संभाल के रखना, बाद में इसको आपने लगाना भी है। और यहाँ पर मैंने कट लगाया हुआ है क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा थी, आप भी लगा लेना अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो। और यहाँ पर इसको मैं काट देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से इतना काट दिया, तो चलिए एक बार मैं इसको पूरा काट देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस, ये देखो मैंने इसको काट लिया। अब जो सेकंड स्टेप है वो आपको बताता हूँ। ये जो हमने कट की थी, इसका जो मतलब फ्रेम कट किया था, वो तो हमने कट कर लिया। अब इसके अंदर हम इसको जो हमारी स्ट्रिप लाइट के बल्ब है उनको डालना है। देखो, इस टाइप से मत डालना, जैसे डले डलाए आए थे ना ऐसे ही डालना है, उल्टी तरफ। आप चाहे तो सीधा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ब्राइटनेस है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लाइट भी अजीब सी लगेगी और दिक्कत, मतलब समझ रहे हो ना, समझ जा करो भाई। तो इस टाइप से मैं इसको वापस डाल देता हूँ जैसे मैंने इसको खोला था, और ये लगभग देखिए लग चुकी है, और यहाँ पर ये लग चुकी है। देखो, इस टाइप से मैंने इसी कैप को भी लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि जो हमने इसके फ्रेम को कट किया था उतना ही हमने स्ट्रिप लाइट के बल्ब को कट करना है। ये देखो, ये हमारी स्ट्रिप लाइट है, जो उसके जो बल्ब हैं, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको कट करने से मेरी जो लाइट है वो ख़राब हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं।
मैं इसको यहाँ पे कट करूँगा, फिर लगाऊँगा और फिर यूज़ भी करके दिखाऊँगा और विद प्रूफ, ठीक है। तो आप भी कट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट बचा है यहाँ पर आप टांग के लगवा के, यानी इसके अंदर वायर लगवा के घर पे भी यूज़ कर सकते हैं या कहीं अदर जगह यूज़ कर सकते हैं इसका, तो ये यूज़ भी हो जाएगी, ठीक है। जो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर, बस आपको दो वायर लगानी पड़ेगी प्लस और माइनस की। तो चलिए इसको मैंने यहाँ पर जो है कट कर लिया। अब जो इसकी कैप थी ना, जिसके साथ हमने जो रिमूव की थी, उसको यहाँ पर आपने इस टाइप से लगा देना है, ये देखिए। लेकिन उससे पहले इसका जो अंदर वाला पॉइंट है यानी डबल साइड टेप, उसका रैपर थोड़ा सा उतार लीजिए ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको जो स्टिक कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है और कितनी कट होने वाली है। देखो मैंने इसको वैसे तो छोटा कर लिया, लेकिन दोनों में एक बार कट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। अब गाइस देखो, मैंने इसको स्ट्रिप लाइट को छोटा कर लिया। अब लगाएंगे हम अपने व्हील के ऊपर इन स्ट्रिप लाइट को, जो हमने अभी छोटी की है। वो पहले तो मैंने आपको लगा के दिखा दिया कि काफ़ी बड़ी थी, इसको छोटा किया। अब मैं इसको लगाऊंगा, फिर वायरिंग प्रोसेस बताऊंगा, फिर दिखाऊंगा एक्चुअल में काम करेगी या नहीं करेगी। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पर इसको जो स्टिक कर लेता हूँ। यहाँ देखो गाइस, मैंने अपनी LED स्ट्रिप लाइट को अपने बाइक के व्हील पर यहाँ पर लगा लिया है बिल्कुल अच्छे से, और मैंने फेविक्विक का जो है यूज़ किया है। आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं अगर आपको टेम्परेरी यूज़ करना है बस एक दो दिन के लिए, लेकिन परमानेंट फिक्स करना चाहते हो तो आपको फेविक्विक लगाने ही लगानी चाहिए, क्योंकि उससे परमानेंट यहाँ फिक्स हो जाएगी और ये उतरेगी भी नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया, और जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो अभी नहीं दिख रहा है। देखो अब लग रही है थोड़ी अच्छी सी, और थोड़ी ये लग रही है कि भी हाँ प्रीमियम सी अच्छी फिटिंग की गई है इसकी। तो यहाँ पर इस टाइप से जो कट कर लीजिए, लगा लीजिए। अब मैं फ्रंट वाली जो हमारी LED स्ट्रिप लाइट है उसको लगा के दिखा देता हूँ। लगाने से पहले गाइस देखो, फ्रंट वाला जो व्हील है ना, उसका जो ड्रम है वो काफ़ी पतला है, यानी वहाँ पे गैप बहुत कम है हमारी स्ट्रिप लाइट को लगाने के लिए। उसमें आपको फेविक्विक का यूज़ करना ही करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पर इस टाइप से अच्छे से फिक्स हो पाएगी, वरना ये व्हील के साथ अटैच हो जाएगी और काफ़ी अजीब हो जाएगी, मतलब उतर भी जाएगी, कब अच्छी भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर फेविक्विक का यूज़ करके आपने यहाँ पर स्टिक करना है। एक बार स्टिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी LED स्ट्रिप लाइट को जो है व्हील पे लगा लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा आ गया है ये जो स्ट्रिप लाइट है, यानी किनारी से हमने जो है व्हील के साथ इसको लगाया है वो फेविक्विक की मदद से। अगर आप फेविक्विक नहीं लगाते हैं तो आपकी ये वाली जो फ्रंट लाइट है वो उतरे ही उतरेगी, आप कितना ही जोर लगा लेना, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगी, आपको फेविक्विक यहाँ से यूज़ करनी ही पड़ेगी। मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप भी है और यहाँ पर अच्छे से स्टिक भी हो चुकी है और यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं है। अब मैं सीधा आपको वायरिंग प्रोसेस बता देता हूँ किस टाइप से आपने वायरिंग करनी है। अब देखो भाई, अब करनी है वायरिंग। वायरिंग करने के लिए हमको ऑब्वियसली वाइजर को खोलना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने वाइजर को हटा रखा है, मॉडिफाइड कर रखा है फ्रंट से, LED हेडलाइट लगा रखी है गोल वाली। लेकिन आपने अपने बाइक के फ्रंट वाइजर को खोलना है, और खोलने के बाद किस टाइप से वायरिंग करनी है चलिए बताता हूँ। अब आ गई है बात वायरिंग पे, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। पीछे जितनी बैकग्राउंड में वायर आपको दिख रहे हैं उनको थोड़ा आप इग्नोर कर दीजिए, मेरे हैंड में जो वायर दिख रहे हैं उनको देखिए। छह वायर थी, छह को मैंने जोड़ दिया, तीन हो गई, सेम कलर सेम आपने मैच करना है। और यहाँ पर एक जो ये मैंने एक्स्ट्रा वायर लगा रखी है, इसको कहाँ लगाया, ये हमने की स्विच के अंदर लगाया। की स्विच कौन सा होता है, जहाँ पर हम बाइक की चाबी लगाते हैं उसका स्विच होता है, उसमें आपने एक वायर लगानी है। किस में जो कलर कोडिंग है वो है रेड एंड ब्लैक, वहाँ पे एक वायर को लगा दीजिए, उसको बाहर निकाल लीजिए। अब मैं सेकंड स्टेप में आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो LED स्ट्रिप लाइट जो थी हमारी, उसकी छह वायर थी टोटल, छह को हमने जोड़ दिया, तीन हो गई, उनमें से दो वायर थी ब्लैक, उनको लगा दिया हमने अपने बाइक के ग्रीन कलर की वायर में, जो कि अर्थिंग की होती है। आप चाहें तो बॉडी से टच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि हो सकता है कि आप BS6 बाइक यूज़ करें तो उसमें थोड़ी सेंसर वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और उसके बाद आपने इस टाइप का बटन लेना है, ये ट्रिगल बटन है, हमारे यहाँ ट्रिगल कहते हैं, आपके वहाँ कुछ और भी कह सकते हैं, मतलब ये लेफ्ट राइट काम करता है और बीच में आगे बंद हो जाता है। तो इस टाइप का आपने बटन लेना है, इसकी वायरिंग अपने अपने कनेक्शन के साथ करनी है। कैसे करनी है, सबसे पहले ये बटन के अंदर तीन वायर लगानी है, मैं लगा लेता हूँ एक बार। अब देखो ये हमारा जो ट्रिगल बटन था, इसके अंदर मैंने वायर को लगा के एक्सटेंड कर दिया है, और बीच वाला जो पॉइंट है वो बंद होने का है, लेफ्ट राइट इसके जो काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीन वायर इसके अंदर से भी आई हुई हैं,
अब बारी आती है इनको अपने कनेक्शन के साथ अटैच करने है। कैसे अटैच करना है मैं आपको बताता हूँ। और इस बटन को मैं कहाँ लगाने वाला हूँ, ये जो हमारा हैंडल है बाइक का, यहाँ पर इसको मैं लगाने वाला हूँ। अगर आपको कहीं भी जगह मिलती है, आपको लगता है कि यहाँ ठीक है मेरा हाथ यहाँ पर अच्छे से पहुँच जाएगा, यहाँ से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो वहाँ पर लगा लेना बस इस बटन को। बटन को हमने अपनी जगह पर लगा दिया, वायर भी मैंने कर दी, कनेक्शन कर दिया इसका। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ तरीके से। देखो ब्लैक कलर की दो वायर थी, जो एलईडी स्ट्रिप की, उसको लगा दिया हमने बाइक के माइनस पॉइंट पे, यानी ग्रीन कलर की वायर में। बॉडी में मत लगाना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो रेड और वाइट कलर की वायर देख रहे हैं, ये मैंने जो बटन लिया था उसके रेड एंड वाइट में लगा दिया, यानी बीच वाले पॉइंट को छोड़ के सॉरी उसको लगा दिया, ठीक है। और जो एक वायर बची है जो हमारे बटन की, उसको जो बीच से आ रही है वायर, यानी बीच वाला पॉइंट, उसको लगा दिया हमने अपने बाइक के की स्विच के अंदर। बस नहीं समझ में आया, पता था मेरे को, डायग्राम देखो। अब इसको ना ध्यान से समझ लो, ये है ऑन व्हील रनिंग लाइट का डायग्राम, जो कि हर बाइक पे सेम रहने वाला है, बस स्पोर्ट्स बाइक को छोड़कर। देखो ये है हमारा ऑन ऑफ स्विच बटन, इसके तीन पॉइंट हैं। इसका जो बीच वाला पॉइंट है वहाँ से एक तार लगाओ और बाइक के की स्विच के प्लस पॉइंट में लगा दो, ठीक है, जो कि ब्लैक एंड रेड मिक्स कलर की वायर होती है। अब बचती हैं इसकी ऑन ऑफ स्विच की दो वायर, राइट और लेफ्ट, मिडल हमने लगा दी। राइट और लेफ्ट जो वायर है वो लगा दो हमारे जो ऑन व्हील रनिंग लाइट है उसके दोनों पॉइंट में, कौन से, ब्लैक को छोड़ के जो कि एक है वाइट और एक है रेड। यहाँ पर मैंने इसलिए येलो किया क्योंकि वाइट पेपर वाइट नहीं दिखेगा, ठीक है। अब जो एक वायर बचती है ब्लैक, उसको लगा दो कहीं पे अर्थिंग में या फिर किसी ग्रीन वायर में। BS6 बाइक के अंदर लगा रहे हैं तो अर्थिंग मत लगाना, बाइक की बॉडी में मत लगाना, ग्रीन कलर की जो वायर दिखे उसके अंदर लगा देना, दैट्स ऑल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको सेव कर लो, यही वायरिंग डायग्राम है, ठीक है। आगे बात समझें, अब इसका दिखाता हूँ आपको फाइनल व्यू, हमारी जो हमने लाइट लगाई है। हाँ तो भाई अब देखो, ये है सबसे पहला पॉइंट, ये ब्लिंक वाला इफेक्ट है जो कि आपको येलो कलर में देखने को मिलेगा। और ये है वाइट, और वाइट एकदम से ब्लिंक होकर पूरी इसकी जो रोशनी एकदम तेज़ होती रहती है और काफ़ी अच्छा कूल सा इफेक्ट देती है, देखो है ना, मस्त एकदम, तो काफ़ी अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसको ब्रेक के साथ भी अटैच कर सकते हैं, वाइट को भी और येलो को भी, लेकिन उसमें ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है कि बार बार ब्रेक मारोगे तो दिन में भी काम करेगी, रात को भी काम करेगी, समझ रहे हो ना। तो आप बटन लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा और परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दूर से लुक इसका दिखा देता हूँ, और भाई देख लो दूर का नज़ारा, और दूर से कुछ इस टाइप से हमारे बाइक की जो लुक आती है, और वाइट कलर की जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी लगती है बाइक में लगी हुई, और ये यहीं पे स्टे रहेगी। और जो येलो कलर की लाइट है जो इसका सेकंड ऑप्शन है उसमें वो है ब्लिंक करेगी, तो दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको एक लाइट के अंदर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और रही बात इसकी भाई परचेजिंग लिंक की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ख़रीद लेना इसको। बार बार बता देता हूँ, देखो इसको ख़रीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से ख़रीद लो। तो भाई यही था इस वीडियो में, वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कदम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।